तो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जब होता है तो उसमें कुछ लॉज फॉलो होते हैं। रेडियो एक्टिविटी कुछ लॉज फॉलो करता है। क्या लॉ फॉलो करता है? पहला लॉ ये फॉलो करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ बना हुआ प्रॉपर। पहला लॉ ये फॉलो करता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, मान लो आपके पास यूरेनियम के अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं या एटम्स हैं बहुत सारे, 1 लाख हैं कंटेनर के अंदर, और उसमें क्या होने वाली है? रेडियो एक्टिविटी। तो वो टूटेंगे, टूटने को क्या बोलते हैं? डिस इंटीग्रेट होंगे। तो डिस इंटीग्रेट का मतलब वो ब्रेक होंगे। बड़ा न्यूक्लियस छोटे में ब्रेक होगा, और छोटा और छोटे में ब्रेक होगा, छोटा और छोटे में ब्रेक होगा। ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है। तो इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसके ऊपर टेम्परेचर का प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर प्रेशर कम ज्यादा करने से इसकी ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, ये लॉ ऑफ चांस फॉलो करता है। किसका नंबर टूटने का पहले होगा ये हम बता नहीं सकते। ह्यूमंस की तरह कौन पहले ऊपर जाएगा मालूम नहीं, कौन जाएगा, किसी की एज 0 है, किसी की एज 100 भी हो सकती है। तो एटम का भी बिल्कुल ऐसे ही है, मालूम नहीं कौन टूटेगा पहले। आप प्रिडिक्ट और प्रोबेबिलिटी भी नहीं लगा सकते कौन पहले जाएगा। और लॉ ऑफ चांस बोलते हैं ऐसे, चांस की बात है, गया तो गया, टूट गया टूट गया। जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो डिस इंटीग्रेशन में, टूटने में, आइदर एल्फा पार्टिकल निकलता है या बीटा पार्टिकल निकलता है या दोनों निकलते हैं, लेकिन इकट्ठे कोई नहीं निकलते। एक रेडियो एक्टिविटी में जब न्यूक्लियस टूटता है तो एक अल्फा पार्टिकल एट अ टाइम निकलता है। फिर उसके बाद मान लो 4 अल्फा निकले तो वो अल्फा फिर छोटा में और टूटा, फिर अल्फा, फिर न्यूक्लियस छोटे में और टूटा, एक और अल्फा, और टूटा, एक और अल्फा। ऐसे नहीं 4 अल्फा इकट्ठे निकल गए, ऐसा नहीं होता, एक एक करके निकलते हैं। तो एक एट अ टाइम या तो एक अल्फा निकलेगा एट अ टाइम, या तो एक बीटा निकलेगा एट अ टाइम, या तो एक गामा निकलेगा, इकट्ठे नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट है, जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो इसकी एमिशन ऐसी होती है, ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि एक्स मान लो ये 100 है और ये 4 है। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब एक नया न्यूक्लियस निकलेगा। अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम 4-2 का निकलना। तो 100 विल बी रिड्यूस बाय 4, तो क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। और उसी तरीके से 4 जो है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4 से कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। तो इक्वेशन आपको पता ही है। ऐसी एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल के अंदर मान लो ये 100 है और ये 4 है, तो बीटा पार्टिकल ये होता है इलेक्ट्रॉन होता है 0-1। तो जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो ये 100 का 100 रहेगा और ये 4 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 105। तो ये बीटा पार्टिकल का निकलना है। तो एटॉमिक मास नंबर में कोई फर्क है नहीं, एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज बाय 1। इसको डिटेल में हम थोड़ी देर में स्टडी भी करेंगे, लॉ एग्जैक्टली है क्या। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल, बस याद रखना कि हीलियम निकालना और बीटा के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ यही है। कितने एटम टूटते हैं 1 सेकेंड में उसको बोलते हैं डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन को लिखा जाता है dN/dt। dN/dt का मतलब है, सबसे पहले ये समझो, इसके अंदर मान लो N0 नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली प्रेजेंट थे टूटने से पहले, जब रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई तो नंबर ऑफ एटम इनिशियली कितने थे? N0 थे। टी टाइम के बाद नंबर ऑफ एटम कितने रह गए? N रह गए। तो N इज नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, किसी भी टाइम पे इतने नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैं और इतने एटम्स क्या थे? इनिशियली प्रेजेंट थे। तो इतने एटम इनिशियली प्रेजेंट थे, इतने एटम इनिशियली लेफ्ट हैं। तो पहले इतने हुआ करते थे, टी टाइम पे इतने रह गए, और ये टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ एटम कितने थे? N0 थे। तो टी टाइम पे एंड रह गए। तो क्योंकि डिस इंटीग्रेशन हो रही है तो नंबर ऑफ एटम ब्रेक होते जा रहे हैं। तो कैसे ब्रेक हो रहे हैं? dN/dt। dN/dt का मतलब है dN एटम टूट रहा है, डिस इंटीग्रेट हो रहा है, बड़े से छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dN/dt रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन है। और लॉ ये कहता है क्योंकि टूट रहे हैं तो रेट नेगेटिव होगा, कम हो रहे हैं तो रेट नेगेटिव होगा, ज्यादा हो रहे हैं तो रेट पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि नंबर ऑफ एटम क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो -dN/dt। तो -dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू एन, ये याद रखा जाए। -dN/dt प्रोपोर्शनल टू एन का मतलब कि कितने एटम एट प्रेजेंट सैंपल में पड़े हुए हैं। तो ये देखो लिखा हुआ है इसमें -dN/dt प्रोपोर्शनल टू एन, एन नॉट नहीं एन। मैं हमेशा इसको ऐसे ही समझाता हूं कि जितने पैसे हैं जेब में उतने ही हिसाब से खर्चा करोगे। 10 रुपए हैं तो 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए खर्च दोगे। अगर 1 लाख रुपए है तो 10,000 खर्च दोगे। 1 करोड़ है तो 1 लाख रुपए खर्च दोगे, ठीक है? तो जितने एटम आज, जितने पैसे आज हैं उसके हिसाब से खर्चोगे। ये नहीं है कि पिछले साल तो 1 लाख रुपया था, आज तो 10 रुपये रह गए, अब मैं 1 लाख के हिसाब से खर्चा करूंगा, नहीं होगा। तो आज जितने हैं उसके हिसाब से आपके पैसे टूटेंगे। बिल्कुल वैसे ही एटम भी, एटम का टूटने का रेट जो होगा वो अब कितने एटम प्रेजेंट है उस पर होगा।
इसका मतलब अगर पहले इनिशियली एटम बहुत ज्यादा थे, लाखों में थे, तो टूटने का रेट भी ज्यादा था, खर्चा ज्यादा होता था। लेकिन आज वो एटम कम होते जा रहे हैं, आपका खर्चने का रेट भी, टूटने का रेट भी कम होता जाएगा। जब नंबर ऑफ एटम रही दो चार जाएंगे, तो सालों साल आप खर्चोगे नहीं, तो इसको लेके बैठे रहोगे, तो फिर कई साल तक रेडियो एक्टिविटी चलेगी, राइट? तो ये पहला लॉ क्लियर है। माइनस डी एन बाई डी टी जो है प्रोपोर्शनल टू एन, नॉट नहीं है, एन है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, कोई 10 रुपये में से 8 रुपये भी खर्च देता है, कोई 2 रुपये भी नहीं खर्चता। बंदे के नेचर पे डिपेंड करता है, ऐसी एटम की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि एटम की नेचर कैसे है, टूटने वाली नेचर है, ज़्यादा टूटती है तोड़ता है, या फिर कम अनस्टेबल ज़्यादा है तो ज़्यादा टूटेगा, स्टेबल ज़्यादा है तो कम टूटेगा। तो उसके लिए कॉन्स्टेंट क्या लगेगा, लैम्डा, जो मटीरियल उस एटम की नेचर पर डिपेंड करेगा, इसको डी के कॉन्स्टेंट बोलते हैं। जितना हाई डी के कॉन्स्टेंट होगा, लैम्डा बड़ा होगा, डी एन बाई डी टी भी उतना ज़्यादा होगा, मतलब खर्चने का रेट उसका ज़्यादा हो जाएगा, राइट? तो ये रूल है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एन वाली टर्म्स एक तरफ, लैम्डा डी टी एक तरफ, ये रहा, तो ये टर्म आ गई, और इसे इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करके आपके पास 1/n dn की इंटीग्रेशन लॉग एन आएगी टू द बेस सी, ये माइनस लैम्डा टी आएगी, और एक साथ में कॉन्स्टेंट लगेगा सी। अब इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू ऐसे निकलती है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल स्टार्टिंग में जीरो पे, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने होंगे, एन नॉट, क्योंकि टाइम टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम कितने, एन नॉट है, तो लॉग ऑफ एन नॉट इज माइनस लैम्डा इन टू जीरो प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, लॉग ऑफ एन नॉट। इस सी की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो आपके पास ये देखो ये टर्म आ जाएगी, लॉग वाली टर्म एक तरफ करेंगे तो ये टर्म आएगी, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म आ जाएगी। लॉग जब राइट साइड पर जाएगा, इसका बेस क्या है, ई, तो मैथ्स का रूल है, मेडिकल के लोग समझ लें, एन बाई एन नॉट, लॉग जब राइट साइड पर जाएगा तो बेस यहां पर आ जाएगा और ये पूरा नंबर इसके ऊपर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई, ये फॉर्मूला नंबर वन, आप फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर सकते हो। एन का मतलब नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट है, और एन नॉट का मतलब नंबर ऑफ एटम जो इनिशियली सैंपल में पड़े हुए थे। वैसे मैंने इस सारे फॉर्मूलाज को अपने हैंड रिटन के अंदर नोट किया हुआ है, वहां से नोट कर लेना चाहिए। यहां तक क्लियर है, यहां तक एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो कल को अगर मान लो 10 दिन के बाद आपको 10 दिन में देखना है कि नंबर ऑफ एटम कितने लेफ्ट हैं, तो आप स्मॉल टी को यहां पर 10 डेज पुट करेंगे, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक? ग्राफ अगर प्लॉट करने को आ जाए, मैथ्स के लोग समझते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनता है मैथ्स में, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। मेडिकल लोग समझ लें कि नंबर ऑफ एटम पहले एन नॉट थे, फिर धीरे धीरे कम होते 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 बहुत टाइम के बाद ये ग्राफ किसको टच करेगा, जीरो को टच करेगा, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है, बस एक टर्म लिखने को तो नहीं आएगा पर वैसे बता देता हूँ। डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट मटीरियल पे डिपेंड करता है, ये मैंने बता दिया, आपके एटम्स कैसे हैं, आपका एटम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका जो एटम है वो टूटने वाला एटम है, यानी कि डीके ज़्यादा जल्दी होता है, ज़्यादा डीके होता है, तो इस केस में क्या होगा, उस केस में अगर आपका एटम तो लैम्डा यानी कि ज़्यादा होगा तो या कम होगा, वो नेचर पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली लैम्डा को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, मेरा फॉर्मूला एन का क्या है, एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, है ना, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो इसके अंदर अगर मैं टाइम को पुट करूं 1/लैम्डा, लैम्डा का मतलब डीके कॉन्स्टेंट, तो अगर मैं ये पुट करूं, टाइम की वैल्यू 1/लैम्डा है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, तो जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा इन टू 1/लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसल, तो आंसर आएगा एन नॉट डिवाइडेड बाई ई। तो डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लैम्डा वो टाइम का रेसिप्रोकल है, या टाइम अगर डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट का रेसिप्रोकल है तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने हो जाएंगे, एन नॉट बाई ई हो जाएगा। बस ये फैक्टर को याद रखना अगर ऑब्जेक्टिव में सीधा मार्क करने को आ जाए तो, डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट का रेसिप्रोकल के टाइम पे नंबर ऑफ एटम लेफ्ट क्या होंगे, एन नॉट बाई ई, बस ये याद रखना।